व्यक्ति के चारों रास्ते बंद पड़े हों, संपदा आई नहीं रही हो, सारे मार्ग बंद हो गए हों, आज शनि प्रदोष के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, बैठकर 8 दिए लेकर जाओ घी के। कितने दिए? 8 दीपक लेकर जाइए, शंकर भगवान पर थोड़ी सी काली तिल्ली चढ़ा दो, जल चढ़ा दो और 8 दिए। पहला दिया शंकर के सामने, शंकर जी के सामने आप ऐसे बैठो तो 8 दिए में से पहला दिया सम्मुख में, दूसरा दिया दिशा के अनुसार तिरछे में, फिर राइट में, फिर कोने में, पीछे, फिर कोने में, फिर सामने, फिर तिरछे, 8 दिए भगवान शंकर के सम्मुख में। इस भाव से अपने आसपास में लगा दीजिए, थोड़ी थोड़ी काली तिल्ली चारों तरफ फिटक दीजिए, शिव बाबा से विनती करो, बाबा आज शनि प्रदोष है, मेरे सारे मार्ग बंद पड़े हुए हैं, बाबा सारा व्यापार बंद पड़ा हुआ है, फैक्ट्री दुकान सब बंद पड़ी, कोई मार्ग खोल दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, प्रदोष का दिन आ गया है। यह जो प्रदोष पड़ रही है वह शनिवार को पड़ रही है, इसीलिए इसे शनि प्रदोष कहते हैं। वीडियो में गुरुजी द्वारा एक उपाय बताया गया है जो आप केवल और केवल शनिवार की प्रदोष पर ही कर सकते हैं। यदि आपके सारे रास्ते बंद हो गए हों, धन संपदा की कमी हो रही हो, धन संपदा नहीं आ रही है, तो आप यह उपाय शनिवार प्रदोष के दिन जरूर करें। आपको यह उपाय शनिवार प्रदोष के दिन शाम के समय प्रदोष काल के बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है तब आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको लेना है 8 आटे के दीपक। आप 8 आटे के दीपक बना लें, उसमें घी का उपयोग करना है और आपको गोल बाती का उपयोग करना है। आपको 8 दीपक में गोल बाती लगा लेनी है और थोड़ी सी आपको लेनी है काली तिल। 8 दीपक और काली तिल लेकर आप शाम के समय चले जाएं शिव मंदिर, और शिव मंदिर में शिवलिंग पर सबसे पहले आपको काली तिल समर्पित कर देनी है। आपको पूरी काली तिल समर्पित नहीं करनी है, आपको थोड़ी सी काली तिल समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो आप 8 दीपक ले गए हैं उसको शिवलिंग के चारों तरफ अलग अलग दिशा में रख देना है, जैसे कि आगे, पीछे, दाएं, बाएं, आजू बाजू के कोनों में, ऐसे 8 दिशाओं में आपको 8 दीपक रख देना है और उनको प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको थोड़ी सी काली तिल शिवलिंग के चारों तरफ जहां आपने दीपक रखे हैं वहां छिड़क देना है। इतना करने के बाद आपको अपनी प्रार्थना, आपको अपनी मनोकामना कर लेनी है, महादेव कृपा जरूर करेंगे। यह कार्य आपको केवल और केवल शनिवार की प्रदोष पर ही करना है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको यह उपाय समझ आ गया होगा। उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।